कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा, ओके? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो पहले तो पिछली वीडियो की बात करने से पहले बात सुन लो यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? और यार लाइक किया करो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करो और कमेंट भी कर दिया करो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई कमेंट किया करो यार, मोटिवेशन मिलती है, समझ रहे हो? ओके, तो पिछली एपिसोड की बात करते हैं कि उसमें हमने जो है पावर प्लांट वगैरह जो है वो क्लियर कर लिया था, जहाँ पे हमने टावर वगैरह फाड़ के उनकी बिजली वगैरह बंद कर दी थी। अब नेक्स्ट ये था कि हमने जाना है, चेक करते हैं किधर जाना है हमने। ओके, सो हमने जाना है अब वेयर हाउस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? इसके अंदर ना ये जो प्रिजनर्स हैं ना, इनको हमने निकलवाना है, और ये जो दो फ्रिज हैं ये फाड़ के उसके बाद निकलवाना है। सिंपल सी बात है, ठीक है? ये बड़बड़ कर रही है ज्यादा, घर खा रही है, चुप हो जा। ओके, आते ही हमें बंदे मिल गए। भाई ये बंदे चेक करो, कसम से ये वाला बंदा फाड़ू होता है, ये जिसने शॉटगन खाई होती है ना, आए चस्के ही आ जाना है। C4 लगा लेते हैं इधर, आगे आ जाओ आगे, लगाना बाद में भी है, लगाना अभी भी है, तो ना भी लगाया। ओके, देख के गाड़ी ठोकर ना मार दे, मर जाता इस कमीने को मारूंगा मैं, रुको। ये बहुत गंदा बंदा, देखे कितनी पावर ले गया मेरी। वो आते ही नॉक हो गया तू, खोतिया, इसलिए लेके आया था मैंने तेरी सही। मैंने इसकी यार इतनी तारीफ की है, ये आते ही नॉक हो गया। वैसे मैंने शॉटगन वाले का बोला था, इसका नहीं। ओके, तो इनके ऊपर हम आगे फेंकेंगे, आगे मोलोटोव। ओ आग लगी, ओए शोरे नु आग लगी, ओए ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बम आया मेरे साथ। ऊपर बंदा मर गया। ओके, ये प्रिजनर्स हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बिजली है, क्योंकि बिजली हमने बंद कर दी थी, बट इन्होंने जनरेटर लगाया हुआ है। जनरेटर हम फाड़ लेते हैं पहले। C4 लगा लिया हमने, चलो भाई। इतने में हम ये ज़रा इस बंदे को उठा लेते हैं। वो उठ जाओ ये शोरिया। ओके, पहले इधर के बंदे मार लें, पीछे से गाड़ी आ रही है देख के। भाई गंदे वाले बंदे आ गए, वो ओके, ये क्लियर हो गया। बस ये प्रिजनर वगैरह छुड़वाते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओ भाई तुझे छुड़वाना ही तो आया। अबे कीज का क्या करना है, अल्लाह के बंदे मैं रेंच लेके फिर रहा हूं इतना बड़ा। थैंक्स, गेट अस बैक टू द सूज क्विक। उठो उठो उठो, क्रॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस। चलो चले आ जाओ, इधर ही सीवर है, इनको यहीं से ही डाल देते हैं। चलो भाई तुम जाओ, ताकि मेरा करिश्मा लेवल थोड़ा और बढ़ जाए और मैं फिर एक और बंदा हायर कर सकूं। नीचे वाले को ही उठा लेंगे यार, जिसको अभी हमने पावर दिया ना, क्विक सेव मारते हैं। इनकेस अगर मर जाएंगे तो यहीं से शुरू होगी भाई। ओके हो गया, मेरा लेवल बढ़ गया। इस बंदे को ले लेते हैं साथ, तूने उठाया हुआ क्या? ओ भाई शॉटगन वाला सर तो तेरा फटा हुआ ऑलरेडी। आहो आ जा आ जा मेरे नाल, आ जा चल रल के लड़िए इहदे नाल। ओते गंद उठा लेते हैं पहले, ये बुलेट्स वगैरह काम हो जाते हैं, कोई पता नहीं लगता।
गाड़ी को देख के पीछे से गाड़ी आती होती है, पावर खा लेते हैं यार। इसके पास तो मैं बम फेंकता हूँ। Hey, follow me quick before the red spot us. मर 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 मरा होगा। वो देखा ना अंडरटेकर की तरह उठ गया। पहले इधर थोड़े से बम फेंक देते हैं। आ जाओ इधर से। ओ भाई पावर खा लूं मैं। ओ भाई गंदी लड़ाई हुई है इधर हमारी। खैर हम बच गए, हमारा कोई बंदा नॉक भी नहीं हुआ। ओके तो ये ब्रिज भी हमने फाड़ना है। पहले इधर से पावर तो उठा लेते हैं, यहाँ बंदे खड़े हुए हैं तो यहाँ पावर है जरूर। आहो भैया नहीं आएंगे ये, अभी इतने बड़े हीरो नहीं बने ना हम। अब टेंशन नहीं लेनी, अभी ये बहुत बड़े हीरो बनेंगे अभी हम। आ जाओ भाई। ओए खोते हो, अभी मरते थे जा। ओए देख, ओए ढोकर लगेगी पीछे देख। बच गए हैं यार। ओके इधर बम फेंकेंगे पहले। ओए बम फेंका इसने, उड़ गए भाई। अरे यार आजो। ओए बम आया, मरा तो नहीं हो ना? नहीं। ओए स्नाइपर खड़ा इधर। फक बचो इससे। किसको बुला रहा था ये? चल आई दे पुत्रा। ओके तो हम स्नाइपर के पास पहुंच चुके हैं, अब स्नाइपर को मार देते हैं। तू निकल। अबे यार एक गोली मिस हो गई। तू निकल तू वाला निकल। और नहीं पड़ी स्नाइपर्स क्या यार? एक स्नाइपर लेके फिर रहा था। पावर खा लेते हैं, ये फुल है ऑलरेडी। चले वो एक बंदा इधर भी नॉक हुआ हुआ होगा नीचे, उसको भी उठा लेते हैं। वो साथ तो नहीं आएगा बट उठा तो लेना। टेक इट, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओए ये हमारा वेट कर रहे थे। ओए ये कोई बम ना फाड़ दे। ओके इधर पावर पड़ी है, पहले पावर खा के पावर उठा ले। ओए गोलियां भी खत्म हो रही हैं हमारी। गोलियां। खैर अभी इतनी मिल गई हैं, काफी हैं फिलहाल। वो गोलियां मिल गई, ये पड़ी हैं दो डब्बे। 91 कम है यार, फिर खैर और मिलती जाएंगी, कोई बात नहीं। ओके सिर्फ हमारा यहाँ पे झंडा लगाना रह गया बस, बाकी सारा हमने क्लियर कर लिया। यार क्या करते हो, कसम है। ऊपर वालों को मारो ना।
ओ भाई गंदी पावर लेके गया है यार ये। यार कोई बात नहीं, आजू आजू इनकी गंद उठा लेते हैं, मुझे गोलियों की जरूरत है वैसे कम है मेरे पास। भाई ऊपर पहुंचने वाले हैं, ऊपर जाके हमने झंडा लगाना है और ये हो जाएगा क्लियर। ओए ये गंदे वाले बंदे खड़े हैं, इनसे बच के रहना, जरा दूर दूर रहना है, मतलब कि दूर दूर खड़े थे हाँ पिया ठहरे वही वाला काम, नेड़े नहीं आने देना इनको। ओके हो गया, चलो भाई झंडा लगने वाला है, झंडा 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 लगा लिया, झंडा लग गया रे इसमें। जली ना कुछ बोले नहीं रही। We have breaking news in the war against the rebels. Earlier tonight, a rebel stronghold was successfully captured by our troops. The head of the group is one of the most prominent leaders and symbols of the underground resistance, none other than the brother of the alleged Freedom Phantom. The Phantom has been unmasked. What His real heck? Name is Christopher Stone, a 32-year-old plumber. After a brief interrogation by our intelligence officers, the brother, Troy Stone, confessed to his participation in many crimes carried out by the rebel group. Now repentant, Troy Stone has agreed to send a plea to his brother to stop further terrorist activities. We take you live to a press conference at City Hall. Citizens of New York! What the feck? A dark chapter in your history is drawing to a close. Here now is the brother of the Freedom Phantom. With a special plea to his brother to desist from further fighting. My brother and I, we were just bored and we sort of drifted into crime at a young age due to a lack of direction or ideals and playing video games all night, violent ones. The society we grew up in kind of abandoned us, you know. But it's never too late to straighten out. So Chris, for my sake and the sake of the new system, I beg you to stop your terrorist activities. Okay, just surrender to the authorities and they'll treat you fairly. The Soviet government gives you their word of honor. Just please do as they ask. It is obvious that the heroic Soviet army has once again. Everything I said was lies. They forced me, Chris. Don't believe this stinking propaganda. देखा ना मैंने सही बोला था, इसको टॉर्चर करके वो किया। And now to the weather for tomorrow. I hear it is getting colder, comrade Ilyana. खाड़वल भाग गई बेसाले, मतलब हमारे दोस्त को पकड़ लिया और उसको टॉर्चर किया जा रहा है। कोई बात नहीं, उसको हम छुड़वाएंगे, अपनी जान पे खेल के उसको लेके आएंगे। इस बार हम कुछ और चीज़ें भी लेके आए हैं साथ। ओके इस बार देखो हमने कितने बंदे जमा कर लिए, चीज़ें लगी हुई हैं हर जगह, हर कोई अलग अलग रह रहा है। पॉलिटिक्स है ही ऐसी चीज़ भाई, वो लोग जो है ना सिर्फ अपने जो है ना फायदे को देखते हैं बस, वो सुना नहीं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो यही सीन ही है। ओके तो अब क्या मिला? Assassinate Tatarin. Without... अब आएगा ना मजा, जो कैप्टन ज्यादा टिटो पार्टियां लगा रहा था ना खड़े के यूं है तो वो है तो मैं फलाण कर दूंगा छलाण कर दूंगा, अब उसको हमने मारना है, बस यही चीज हमारी रह गई अब। तो वीडियो जो हमारी है वो आज की यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो यार, ठीक है। जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करे,
और यार कमेंट किया करो, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। Alright, boy.